मेरी तरफ से हिया जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. She is a great artist and she knows how to teach people also. I think she'll be quite happy to run this school and it will be quite good for other kids also to learn how to act actually. You know, basically she's a very good actor and she done a film with me, Hake Salani, as a lead vampish role, you can say. And rest, I think she's a nice girl and very good artist. So best of luck to Hia. Hia's, what is this? Acting school. Thank you very much. Hia's acting institute ko meri bahut sari shubhkamnaen. Kyunki ab ye jo acting institute khul raha hai usse kafi acche naye naye talent ubhar ke aayenge. Iski main wajah ye hai ki Hia khud 18 saal se is industry mein hai. Usne industry ki sari barikiyan jani hai. To wo industry ki jo experiences Hia ke paas hai, wo aaj un bachchon mein share karegi. और वो टैलेंट उभर के आएंगे और फिर वो अपनी मेहनत से और अपने टैलेंट से काम निकालेंगे और काम पाएंगे. बस मेरी यही शुभकामनाएं है कि हियाज एक्टिंग इंस्टीट्यूट और तरक्की करे, उसके अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छा टैलेंट बाहर आए और हमें और अच्छे अच्छे एक्टर और एक्ट्रेसेस मिले. और सबसे पहले मैं हिया सिंह राजपूत को, जो हिया एक्टिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया है, उसकी शुभकामनाएं देता हूँ. और एक्टिंग स्कूल तो बहुत सारे हैं बॉम्बे में, इंडिया में भी हैं, पर के इससे बहुत सारे डिफरेंट स्कूल है ये. हिया काफ़ी सालों से प्रयास कर रही है क्योंकि एक एक्टर को प्लेटफॉर्म देना और उसको सिखाना और उसको काम दिलाना एक बहुत बड़ी बात है. उनका एक्टिंग स्कूल के साथ साथ उनका कास्टिंग हब भी है जिसके माध्यम से वो क्या प्लेटफॉर्म देती है. तो एक एक्टर को क्या होता है कि एक्टिंग सीख के वो कहाँ जाए, सीखने के बाद उसको प्लेटफॉर्म मिलता है तो उससे अच्छी बात होती नहीं, सोने पे सुहागे वाली बात है. तो ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट ऐसा है जो कि आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म भी देती है. और ये हिया का बड़कपन है. हिया खुद भी मेहनती है, खुद एक्टर है, उसका खुद लोगों से बहुत सारा लगाव है, प्यार है और कॉन्टेक्ट भी अच्छे हैं जिसके माध्यम से वो एक्टिंग स्कूल को अच्छा ग्रो कर पा रही है. इंस्टीट्यूट को हम तहे दिल से शुभकामना देते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र की इस नगरी में, जिसे हम कला का केंद्र कहते हैं, इस कला के केंद्र में हिया दिन रात अपनी प्रगति उन्नति पर अग्रसर बढ़ती रहें. और उनको हम उम्मीद और आशा विश्वास के साथ जताना चाहते हैं आपको कि इस कला केंद्र की नगरी में उन्हें अच्छे से अच्छे पुरस्कार और अवार्ड माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, हर जिले डिस्ट्रिक्ट के महापौरों के द्वारा वो हमेशा पुरस्कृत होती रहें. धन्यवाद. उनको उनके इंस्टीट्यूट की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो तरक्की करती रहे. सब लोग ने दी थी शुभकामनाएं, तो हमारी ऑब्वियसली, क्योंकि मीरा भाईंदर में एक्टिंग इंस्टीट्यूट की बहुत ज़रूरत है, एक अच्छे एक्टिंग इंस्टीट्यूट की. तो या मैम ने जो स्टार्ट किया तो बहुत खुशी हुई हमें जानकर, क्योंकि यहाँ से अंधेरी जाना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए, तो उससे अच्छा यहाँ पे नज़दीक में है तो बहुत अच्छा है और जेन्युइन है. सबसे बड़ी बात, यहाँ जेन्युइन नहीं होते मोस्टली. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye. Roshni leader ke sath apne aap chalti hai, aur hum kya roshni dalenge uske upar. Ek bahut hi acha vishay hai is film ka, mahilaon ke prati jo hai samaj mein aajkal और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता. इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है. हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं. तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ.
द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।